अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अंडा ऑमलेट की ग्रेवी किस तरह से बनाते हैं। और दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद सुहेल खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SSK क्रिएशन। दोस्तों हमारी वीडियो को आप स्किप मत करना, आखिर तक देखना ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक कटी हुई प्याज और 4-5 हरी मिर्च, हमने बारीक करके काट लिया था। इसे हम हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसे हम अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा लहसुन ऐड किया है। इसे हम थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपके ना। और इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर रहे हैं। टमाटर के अंदर हमने थोड़ा सा कलर ऐड किया है पहले से, ताकि इसका कलर जो है थोड़ा खूबसूरत दिखने में लगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इंशाल्लाह ये बनकर भी बहुत अच्छा तैयार होने वाला है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाला। ये हमारा जीरा पाउडर हो गया, हमें थोड़ा थोड़ा ही मसाले को ऐड करना है। ये हमारा नमक हो गया, तकरीबन आधा चम्मच है नमक। और जीरा पाउडर, ये हमारा लाल मिर्च का पाउडर हो गया। इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। अब इसे हम अच्छे से चलाएंगे। अब इसके अंदर हम एक उबाला हुआ अंडा इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे बारीक बारीक। दोस्तों खाने में इंशाल्लाह ये बहुत ही लजीज होने वाला है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे दोस्त नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर 2 कप पानी ऐड किया और इसे हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा टमाटर जो है यहाँ पर गल जाए। यहाँ पर हमारी ग्रेवी देखिए बनकर रेडी हो चुकी है। और इसे हम एक साफ बर्तन में निकाल लेंगे और उसके बाद हम दिखाएंगे अंडा ऑमलेट में हम कौन कौन सा मसाला यूज करने वाले हैं। हमने यहाँ पर लिया है 4 से 5 हरी मिर्च कटी हुई और एक छोटी साइज की प्याज। और यहाँ पर जीरा पाउडर हमने लिया है आधा चम्मच, और आधा चम्मच हमने लिया यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक लिया है और आधा चम्मच हमने यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर। आज हम बनाएंगे शाही ब्रेड ऑमलेट। यहाँ पर हमने 4 अंडा का बनाना है ऑमलेट। ये हमारा 4 अंडा हो चुका है। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। ये हमारी हरी मिर्च हो गई, ये थोड़ा सा नमक हो गया, ये हमारा प्याज हो गया, इसे हम मिक्स करेंगे।
और इसके अंदर हम थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर धनिया पाउडर हो गया और जीरा पाउडर भी हमारा यहाँ पर हो गया। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से हम शाही ब्रेड ऑमलेट बनाएंगे। दोस्तों आखिर तक वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें। इस तरह से हम सारे ब्रेड को एक एक करके इसी तरह से बना इसमें पेस्ट करेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया हुआ है यहाँ पर। थोड़ी देर हम इसे दूसरी साइड हो जाने देंगे, उसके बाद हम इसे फिर साइड चेंज करेंगे इसकी। देखिए यहाँ पर कितना प्यारा कलर आया हुआ है। अब इसे हम बीच से कट करेंगे। इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से हम इसके छोटे छोटे पीस कर रहे हैं। ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम ब्रेड को फ्राई करेंगे। दोस्तों ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इस ब्रेड की हम दोनों साइड अच्छे से सेक करके ब्राउन कलर में करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा ब्राउन कलर होके कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसे हम चेक करेंगे। इसी तरह से आप अपने घर पर भी बनाकर चेक करें और बहुत ही टेस्टी होने वाला है ये इंशाल्लाह।